ಒಂದಿತ್ತು ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧೆ ಧುವಮ ಚಲ ಮಳುವ ಮಂಗದಿಂಪತ್ತೆ ಗೋಚಾಮಿ ಸಮಯ ಪಾಹುಡ ಮೇಣ ಮೋಸದ ಕೇವಲಿ ಬಳಿದಂ. ಸಚ್ ಪೂಛೋ ತೋ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನೇಕ ನಹೀ ಹೋತೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ತೋ ಏಕ ಹೀ ಹೈ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆ ಉಪಾಯ ವೆ ಭಿ ನಿಯಾಮಕ ನಹೀ, ವೆ ಕೈ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. अनुष्ठान का निरूपण कई प्रकार से हो सकता है, अनुष्ठान कई प्रकार के नहीं होते. हम कहते हैं ये पूजा या अनुष्ठान है, भक्ति अनुष्ठान है, विधान अनुष्ठान है, प्रतिष्ठा होनी है अनुष्ठान है, सबको हम अनुष्ठान कहते हैं. और ये सब पुण्य के कार्य है. अनुष्ठान का व्युत्पत्ति अर्थ बनता है अनुष्ठान, चहु ओर से अपने आत्मा में स्थिति करना. आत्मा में स्थिति करने के लिए ये बहिरंग कारण है, जैसे सम्यक्त के लिए देवदर्शन, जैसे किसी को पढ़ने के लिए बाहर का प्रकाश, ज्ञान होने के लिए किसी को बाहर का प्रकाश. समझ में आता है? ये उसी प्रकार ये बहिरंग निमित्त है. ये देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि. बात यह चल रही है यहाँ पर कि भगवान की स्तुति कैसे की जाए. तो कहते हैं स्तुति कहो, पूजा कहो, भक्ति कहो, प्रक्षाल कहो, बात कोई अलग अलग थोड़ी है. नाम अनेक अनेक है, काम एक ही करना है. ठीक है? तो यहाँ पर एकदम निश्चय प्रधान शैली से भगवान की स्तुति कैसे की जाएगी उसका निरूपण चलेगा. कि पूजन कैसे करना, एक विधि होती है पर्टिकुलर. पहले स्थापना पढ़ो और पहले ये विधि ठाड़े हो के ये पढ़ो और फिर अभी चालू करो धमाधम. सीधे जल से फल तक बिल्कुल तुम चढ़ते ही चलो. एक एक चीज अभी यहाँ से वहाँ करना है तुमको. ये यहाँ से उठाना या पटकना नहीं कह सकते, वैसे रखना क्षेपण. यहाँ से उठाना और यहाँ पर रखते चलना. ये आठ चीजें है, ये क्रम से लगाई है. या आठ चीजें यहाँ पर आएगी, डालते जाना. ठीक है? सुनो सुनो सब, ये तो भक्ति का एक प्रकार हुआ. और यहाँ पर निश्चय भक्ति की चर्चा चल रही है. मैंने आपको कहा था ये सात आठ गाथाओं में भक्ति का प्रकरण चलेगा. यहाँ पर एक अलौकिक भक्ति का प्रकरण है, भगवान की भक्ति कैसे करना. ओके? तो देखिए, सबसे पहले अपन तो ये विचार करें, किसी का दिल जितना हो हमको तो क्या करना चाहिए. तो आप एक काम करना, जिसका दिल जीतना हो उसको जो अच्छा लगता है वो करना. आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है, क्या करते हैं वे पता नहीं आपको? वे रात में रोजाना, सुनो सुनो, वे रात में रोजाना यहाँ पर टेबल टेनिस खेलने आते हैं, बिलियर्ड्स खेलने आते हैं. ओके, मैं भी जाया करूँगा रोज. रोज रात में ये स्विमिंग करने आते, दोपहर में स्विमिंग करने आते हैं. रात में तो स्विमिंग कौन करेगा? अपन दिन की लो स्विमिंग की. आप ये दोपहर में रोज स्विमिंग करने आते यहाँ पर, दोस्ती बढ़ाना है, तुम एक काम करो, तुम भी रोज स्विमिंग को आया करो. तो क्या होगा? तो उठना बैठना होगा, हो जाएगा काम, हो जाएगा तुम्हारा. सीधा ये जाकर नहीं बोलो उनको, मुझे आपसे दोस्ती करने में क्या करूं. उनको ऐसा मत बोलो. सुनो, वो ऐसा चाटा खींच देगा और वो काश आप वहां तक जा भी नहीं पाओ. देखो, एक प्रक्रिया है किसी से मिलने की. मैं थोड़ा बताऊं आपको, एक बहुत बड़े विद्वान है
तो मुझे बहुत आग्रह रखा बहुत जनों ने कि आप उनको मिले जाकर, और कई दफे मुझे वहां से भी कॉल आया, फिर यहाँ बहुत भीड़ करके लोगों ने भी चाहा यहाँ से लेके जाए मुझे, तो यहाँ से मतलब खनियादाना से, ये 5-6 साल पहले की बात है। और मेरा पहले से ऐसा भाव था कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, आज भी यही भाव रहता है, मुझे किसी से नहीं मिलना है, और जहाँ तक मुझे सचमुच किसी को कुछ पूछना भी नहीं है, मुझे सब है मेरे पास, और इससे बढ़कर विद्वान कौन हो सकता है, जिसके आश्रय से हजारों विद्वान खड़े हुए हैं, समझ में आया, हम उसी चीज का आश्रय क्यों नहीं करें। तो बहुत आग्रह रखा उन्होंने, मैं बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। मैं, मेरी कई घटनाएं हैं जीवन की, अब कब मौका पड़ेगा मैं नहीं बता पाऊँ, सुनो। तो फिर ये हुआ कि आपको बहुत ईगो है, ईगो ये है कि आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, किसी विद्वान को, भैया अब वो क्या कहे अपन ज़्यादा उसमें, उसने जो समझी है सो समझी है, तो मैं कुछ नहीं बोला किसी से, तो फिर सब जा रहे जाओ। तो फिर मैं बहुत एकदम नज़दीक भी गया एक बार, तो खैर बिल्कुल यहाँ से फिर गाड़ी भी आई, बोले चलो हम लेके जा रहे। मैंने कहा मुझे नहीं आना, मुझे ऐसी कंडीशंस मेरे जीवन में हुई है, 10 किलोमीटर पर यहाँ से नेमिनाथ का ये हुआ, यहाँ से आदिनाथ का ये हुआ, वहाँ से ये हुआ वो हुआ, मेरे को क्यों क्या मालूम, मैं बहुत अरुचि रखता हूँ घूमने फिरने में, मेरा है बाय नेचर ऐसा ही है। और मुझे मिलने के नाम पर तो किसी को नहीं मिलना है, मुझे अपना अध्ययन करने दो, सामायिक करने दो, आत्मा की कैसे प्राप्ति होगी इसका समझने दो मुझे, आत्मा के बारे में समझने दो, आत्मा को समझने दो। तो फिर हुआ यूँ कि काल थोड़ा व्यतीत हुआ, मैंने बहुत समय अध्ययन में लगाया है, और मुझे बहुत सुनी है मैंने समाज की उसके पीछे, कि बाहर ऐसा कार्यक्रम चल रहा है तुम आए नहीं, बाहर पंचकल्याण का कुछ चल रहा है, जुलूस चल रहा है, कुछ ये चल रहा है वो चल रहा है, आप आते नहीं, बाहर निकलते नहीं, बोलने देना चाहिए सबको, उनके भी मुंह नहीं बंद करने हैं हमको, और हमें हमारा काम करते रहना है। तो 30 साल से वे क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं थोड़े साल में, ये निर्णय तब होगा जब सामना होगा, किसने खोया किसने पाया इस जजमेंट डे के लिए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा ना, तब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कौन क्या बोलता है। तो फिर हुआ यू, एक बड़ा कार्यक्रम अरेंज हुआ एक बार, मैं स्थान का नाम भी नहीं बताऊंगा, तो फिर वहां पर उनके साथ मेरी सेटिंग बना दी उन्होंने सीधी प्रवचन में, मतलब दो एकदम अच्छे विद्वान बोले, इनके साथ एकदम अच्छा विद्वान चाहिए इनके टक्कर का, जो इनके पहले बैठेगा बोलेगा। अब फिर मुझे ही अपॉइंट किया उन्होंने कि आपको संभालना है, कोई तैयार नहीं है वहां पर संभालने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अब देखो मैं तो आपको कुछ कहना चाहता हूं, और बाद में भी जब दो फ्री हुई, जब फ्री हो गए प्रवचन वगैरह से, कि वे रुके हैं ऊपर मैं रुका हूं नीचे, अथ वे रुके बगल में मैं रुका हूं यहां पर, तो इस कमरे से इस कमरे में भी जाने की मेहनत का मेरे को भाव नहीं है, तुम अभी मेरे को छेड़ो मत कोई, मैं बहुत इतनी बात हुई है मेरी, तो सुनो क्या हुआ उसमें, हम बड़े से बड़े विद्वान का संपर्क कैसे कर सकते हैं कोई बताओ मुझे, विद्वान का संपर्क करने के लिए आपको उनको जाकर नहीं मिलना है, आप खूब अध्ययन करिए, आप समझते हो मेरी बात को। मैंने डॉक्टर साहब को कभी नहीं मिला हूं जीवन में, मैं तो पहले तो कभी नहीं मिला, और जब भी 10 जन खड़े मिलेंगे सबसे पहले मेरे साथ बात करेंगे, और फिर अकेले भी बात करेंगे, पर्सनल भी बात करेंगे, जब भी मैंने कभी जयपुर की भी शक्ल नहीं देखी आज तक, वही 2-3 बार कुछ बात हुई हो हमारी, हमने अध्ययन किया है। तो अध्ययन के माध्यम से विद्वान उससे आकर्षित होता है कि अरे ये निरंतर, चापलूसी से कोई आकर्षित नहीं होता, चापलूसी से हीन बुद्धि वाला ही आकर्षित होता है, आप समझना मेरी बात को, और जो मजबूत बुद्धि वाला होता है वो आकर्षित होता है कि ये क्या काम कर रहे दिन भर, ये बराबर मेहनत लगा रहे उसमें, बहुत अच्छा, वेल डन। ये तो उदाहरण की चर्चा हुई, और थोड़ी मैं बताऊं मेरी आतंकी प्रवृत्ति भी बताऊं मैं थोड़ा, हाँ सुनना, सुनो बोलो मत कोई, सुनो
मैं बिल्कुल अभी नया था, अभी कितने साल पहले की बात होगी देखना, ये 7-8 साल पहले की बात है कम से कम। सुनो सुनो, बोलो मत अभी कोई भाई। नहीं, मैं तो 10-11 साल पहले तो आया मैं खनियादाना, फिर 2-3 साल बस हुए थे, तो फिर 3-4 साल में फिर हो गया मेरा एक जगह। तो फिर हुआ क्या कि वो सिस्टम ये है कि वो विद्वान जब प्रवचन गद्दी पर बैठते हैं, अब वो उनका कोई टाइम नहीं है सेठ, वो जब भी आएंगे फटाफट आपको उठना है वहां से। आप समझ रहे मेरी बात को? तो हुआ यू कि मुझे बोल दिया इन्होंने कि आपको 8:15 से 8:30 आपका रहेगा, 8:30 से 9:15 वे करेंगे प्रवचन। मैंने कहा ओके। अब मैं 8:15 बजे में बैठा, मंगलाचरण किया, सब किया, वे 8:15 बजे भी आए, वे आए, मैं लगा रहा 15 मिनट और, तो वो नाराजी हुई, निकल गए वे। तो सच्ची फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आ गए 5-6 जन ट्रस्टी। अब उनको दिमाग विमाग तो कुछ होता नहीं है, ये कभी पढ़ते उड़ते तो है नहीं, तो आए मेरे पास समझाने की भूमिका में। तो बोले देखो देखो अब गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा क्या हो रही है जरा बताना। तो बोले कि देखो ये आते ही आपको उठना है, और बड़े बड़े विद्वान उनका नाम लेकर उनका फटाफट सीट छोड़ देते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ आपके दिमाग में किसी के प्रति रोष उत्पन्न ना हो, बहुत इजी मुझे तो एक फंडामेंटल खड़ा करना है आपके सामने। तो 5 जन आए मेरे सामने, बोले कि आपको फटाफट उठना है, देखो ये चले गए, फिर वो समझे हुई नाराज हुई, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने कहा देखो मुझे समझाने में जो आए थे वो 2-3 पास आउट शास्त्र विद्वान थे। मैंने उनको ये कहा देखो मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं भी अभी नए नए कदम रखने जा रहा हूँ, मैं लड़खड़ाते कदम है, मैं भी सीख रहा हूँ एक एक चीज़। मैंने कहा लेकिन एक कोई प्रॉपर पॉलिसी हम सेट करनी पड़ेगी, जैसे 7:15 से 8:30 हम आपने हमको टाइम दिया, हम उस टाइम में बराबर बोलेंगे, तो हमारा वो सापेक्षता नहीं रहेगी कि कौन कब आकर बैठता है और कौन कब जाता है। तो वो आए तो हम फटाफट उठे। मैं कह रहे मैंने कहा कोई आतंक फैला रखा है क्या? मैंने कहा आप लोग शास्त्री हो, आप ये क्यों नहीं विचार करते आगे का मार्ग एकदम बिल्कुल सूना दिख रहा है, क्यों ये वृद्ध परंपरा विद्वानों की लुप्त होती जा रही है, उनकी विद्या उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगी, यहाँ पर तो नया आदमी कोई खड़ा होवे। मैंने कहा गुरुदेव के सामने उन्होंने एकदम छोटे छोटे विद्वानों को खड़ा किया और उनके प्रवचनों में वे घंटों बैठते थे, बढ़ावा देते थे। बहन श्री बहन भी घंटों बैठती थी सामान्य विद्वानों के, सामान्य मतलब आज पहली दफे पढ़ा है बैठा है, वो सुनते थे घंटों गुरुदेव क्यों ये क्या भूल कर रहे तात्विक, ये क्या मतलब। बाप अपने सामने ही बच्चों को खड़ा कर देता है ना, तभी तो निश्चिंता से मर सकेगा। मैंने ये कहा उनको कि आगामी आने वाली विद्वत परंपरा कैसे खड़ी होगी, आप ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो मैंने जो भी हो बोले, मैंने कहा मैं कल निकल जाऊंगा यहां से, मैंने कहा, और मैं 8:30 मतलब 8:30 को ही गद्दी छोड़ूंगा, समझ लेना आप। फिर मैं 10 दिन बना भी रहा वहां पर, 10 दिन। मैंने कहा वे प्रवचन करे न करे मेरे को मतलब नहीं है, वे अब सुनने नहीं आ सकते क्या? नहीं, उनको किसकी सुनना, क्यों गणधर नहीं सुनता क्या तीर्थंकर की? गणधर को क्या कम ज्ञान है क्या? अरे वो इस रूप से भी सुने, कोई गलती हो तो हमको बताए। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत बातें चलती है और हर जगह कभी डरने की भूमिका मेरी कभी नहीं रही स्वाध्याय में। कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो और उन्होंने बोला, फिर भरे प्रवचन में टोक दिया, आपने ऐसा ऐसा बोला प्रवचन में, तो वो कथन व्यवहार का था ना, वो प्रकरण क्या चल रहा है? आपने हमको भरी सभा में टोका, हमने भरी सभा में आपको उत्तर दे दिया, बर्दाश्त नहीं किया आपने, हम क्या करें उसको? तुमने काय के लिए पूछा हमको भरी सभा में? आप समझ रहे हम तुम सरी के चुप नहीं रहेंगे, तुम हीरो नहीं बनना बिल्कुल। अरे सबको विद्वान बनने दो, कोई मोनोपोली स्थापित नहीं करना है हमको, आप समझते हो? हमको गद्दी की चिंता है, कल हो हम, कल हम हो ना हो, बोलो वो कल भी कोई दोहराएगा है ना, वो कुछ खेल तो चलना चाहिए, द गेम शुड गो ऑन, खिलाड़ी बदलेगा,
गेम चलता रहना चाहिए. आप समझते हो विद्वान रोज बदलेगा, ये परंपरा ज्ञान के आदान प्रदान की निरंतर चलती रहनी चाहिए. ठीक है, देखिए बड़े से बड़े विद्वान को मिलने का उपाय क्या, विद्वान जो करता है वो तुम करो. कितने काल तक करना पड़ेगा ये बिल्कुल नहीं पूछना, अंत तो गत्वा जाकर तुम्हारी उनसे मीटिंग होगी ही होगी. आप समझते हो मेरी बात को, मैं जितने मैं घर से कभी बाहर निकलकर किसी विद्वान से मेरी पहचान नहीं हुई है. मैं सच्ची बात को हूँ, मुझे घर बैठे बैठे सबकी पहचान हुई है, जहां पर मैं रहता हूँ कमरे पर हुई है. हमको क्या करना, बात ईगो की नहीं है, बात सच्चे समर्पण की है जिनवानी के प्रति. समझ में आता है, फिर ये भी लोभ नहीं रखा मैंने कि थोड़ा मिले तो क्या चापलूसी, क्या कोई शंका होगी तो जरूर पूछेंगे. फिर वैसे भी कोई ईगो नहीं, भगवान की भक्ति का प्रकरण चल रहा है. 31st गाथा, भगवान के सन्निकट आने का उपाय क्या, भगवान की चापलूसी, मक्खन लगाना. मक्खन कौन लगाता है यहाँ पर, अरे तुम रोजाना क्या लगाते रहते हो, वो तो अभिषेक कहते हैं उसको. सुनो सुनो उसको देखो, सुनो सुनो सुनो, ये सब मक्खन लगाना है, चापलूसी करना है, बिना प्रयोजन के ये सब कुछ करना, ये बहुत निरर्थक है, दिशाहीनता की निशानी है. वो समन बद्र स्वामी जैसा एकदम मजबूत आदमी चाहिए, जो क्या बोले थे मालूम, दक्षिण में जब उनको मना किया देव दर्शन के लिए, बोलो क्या बोले, नहीं करने मुझे भगवान के दर्शन. कह रहे जिसने जीवन भर पूरे जीवन भर, बोलो बात को पूरी करो, सर्वज्ञ की सिद्धि में जिन्होंने जीवन लगाया है अपना, जिसने भगवान को डंके की चोट भगवान का स्वरूप सिद्ध किया है, जिसके पीछे भगवान रीज गए, लोग रीज गए भगवान के ऊपर और भक्तों की भीड़ लगी है, जिसके कारण अब तो मीमांसा वगैरह लिखे ना उन्होंने कारिकाएं, और कह रहे आप उन्हीं को मना करते हो. कह रहे नहीं आवश्यक मुझे तुम्हारे भगवान की. नहीं नहीं साहब आप बुरा नहीं मानना, लेकिन कल आना, कल दर्शन देंगे. नहीं आऊंगा. सुनो दिस इज नॉट ईगो. तो कहते हैं हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारा देव दर्शन बिल्कुल स्वतंत्र है. कितना स्वतंत्र है, उसमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उसमें वेदी के विराजमान भगवान की भी आवश्यकता नहीं है. हम पूजा बंद करेंगे ये नहीं कह रहे हैं, हम बिना भगवान के ही पूजा कर लेंगे. आप समझते हो, बिना सुमरई सुमरेंगे, आंखें बंद भी हो जाएगी तब भी हम उन्हीं के स्मरण चिंतन करते रहेंगे. आप पकड़ रहे मेरी बात को, इसलिए मैं कहता हूं देखो एक दिन धोती दुपट्टा नहीं पहना, तो पूजन हुई ऐसा लगा कि नहीं लगा तुमको, फिर एक दिन द्रव्य नहीं चढ़ाए तो तुमको पूजन हुई ऐसा लगा कि नहीं लगा, और थर्ड स्टेप में चलू मैं, भगवान सामने नहीं है तो बोलो पूजन हो रही है ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो सच्ची पूजन की पहचान करा रही है यहाँ पर, सच्ची भगवान की स्तुति, जिसमें भगवान नहीं है सामने, बिल्कुल कोई नहीं है सामने. ये अद्वैत भक्ति की चर्चा है. किसकी, एक होती है द्वैत भक्ति जिसमें दो जन सामने खड़े होते हैं, और यहाँ पर अद्वैत भक्ति में एक अकेले ही डबल रोल कर लेता है, वही पूज्य बन जाता है, वही पुजारी बन जाता है. यह भेद मिटाने आया. कौन सा भेद, पूज्य तुम हो पुजारी मैं हूं, यह भेद मिटाने आया. ठीक है, तो भगवान का अनादर है कि आदर है, ये भगवान देखो आंखें बंद आपने भगवान से कर ली है स्वयं को देखने के लिए, तो ये परमार्थ, ये भगवान का परमार्थ आदर है. और यहां से आके हटाने के लिए कई अन्य कुदेवी देवताओं के लिए कर रहे हो, तो फिर वो तो अनादर ही होगा. आप समझते हो, मुझे ये कहना है भगवान की स्तुति कैसे करी जा सकती है, भगवान के सन्निकट कौन आ सकता है. तो कहते हैं भगवान जो काम कर रहे हो वो तुम करो. क्या करते हैं भगवान, स्वयं को आत्मा देखते, तुम भी स्वयं को आत्मा देखो, तो उससे क्या होगा, तो बहुत ही अल्प काल में ही क्या होगा, जहां पर उनकी सीट है बराबर तुम की सीट एकदम लगकर होगी, और बस चले, बोलो बस चले, तो सीट बगल में ही क्यों, अपने यहां तो एक स्थान में आनंद भगवान हो सकते हैं. भगवान के निकट जाने का क्या उपाय है, अपने निकट आना ये उपाय है. भगवान की स्तुति व्यवहार से क्या है भैया, भगवान की स्तुति फिर वचन की कुछ क्रियाएं, शरीर की कुछ क्रियाएं आदि आदि. अभी भगवान की निश्चय भक्ति क्या है, अभी उसको एक्स लगा दो, लेट इट बी एक्स. और मेरा दूसरा प्रश्न है, और आत्मा की निश्चय भक्ति क्या है,
आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? देखो, जो आत्मा की निश्चय भक्ति है वही भगवान की निश्चय भक्ति है, क्योंकि निश्चय से भगवान में और हम में कुछ भी अंतर नहीं है। आप पकड़ते हो? इसीलिए तो आत्मख्याति के प्रारंभ में ऐसा लिखा कि संपूर्ण जीवों में मैंने सिद्धत्व की स्थापना की है, मैं सबको सिद्ध देख रहा हूं। पकड़ रहे आप भक्ति? ये बहुत सुंदर गाथा है, 31वीं बहुत फेमस प्रसिद्ध गाथा है पूरे समयसार की। समयसार में से आप छाट लो तो 2-5 गाथों में से इसका नंबर लगेगा, निश्चय भक्ति। और निश्चय भक्ति का उपाय ये बताया कि जो आत्मा को जानता है वो भगवान की निश्चय भक्ति करता है। ठीक है, अब इसमें 2-4 प्रकरण और बढ़ा दिए इन्होंने। ऐसे बढ़ा दिए है कि स्वयं को आत्मा जानता है ऐसे कहने की अपेक्षा इन्होंने बोला जो जितेंद्रिय होता है वो भगवान की निश्चय भक्ति करता है। जितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियों को जीतता है, जित इंद्रिय, जित ये संस्कृत शब्द है ना, जिन 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 से बना जीतना। तो यहाँ पर ये प्रकरण कोई युद्ध का नहीं चल रहा, तो यहाँ पर कर्मों का जीतना लेना मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। तो क्या कह रहा था मैं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है भगवान की निश्चय स्तुति क्या, जितेंद्रिय होना यह भगवान की निश्चय स्तुति है। ठीक है, जो अपनी इंद्रियों को जीतेगा वो भगवान की निश्चय स्तुति करेगा। और एक शब्द डाल दिया इन्होंने, अब पहले गाथा पढ़ेंगे तो और अपन चर्चा करेंगे। जो इंद्रिये जिनिता नान सहावाधियम मुनदियादम तम खलु जिनिन्दियम ते बणन्ति जेने चिदासाहु। आपको चलो पढ़ लीजिए। कर इंद्रि जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को निशय विषय स्थित साधु जन पासे जितेंद्रिय। देखिए, जो इंद्रिय जनिता, जो इंद्रियों को जीत कर, आगे एक पहली बात, ये पहली चोट में भगवान की स्तुति थोड़ा ऊपर उत्थानी का देखे, अथ निश्चय स्तुतिम आह, मिल रहा है आपको? अभी निश्चय स्तुति भगवान की कहते हैं, और निश्चय स्तुति क्या कह रहे हैं, जो जितेंद्रिय बनकर, जितेंद्रिय मतलब आग को भी जीतना पड़ेगा, आंख को जीतना मतलब भगवान को नहीं देखना, फिर कान को जीतना मतलब जिनवानी नहीं सुनना, फिर ये समझ में आता ना फिर सब। इंद्रियों को जीतना मतलब क्या, इंद्रियों से काम लेना बंद करना। देखो, इंद्रियों को अपने अधीन नहीं बनाना है, हमको इंद्रियों के अधीन नहीं जाना है। बस जो लोक में कहते हैं इंद्रियों को अपने अधीन बनाओ, उसका अर्थ इतना ही है क्या, हम इंद्रियों के अधीन न चले जाए। तो इंद्रियों का अधीन बनाना क्या होता है और अलग सा, नहीं पकड़े आप? तो इंद्रियों के अधीन नहीं जाना मतलब इंद्रियों से काम नहीं लेंगे, स्ट्राइक समझते हो ना, हड़ताल। यह हड़ताल किसके बल पर होगी, इंद्रियों से काम नहीं लेंगे। आपको दूसरा कोई सोर्स चाहिए, हड़ताल वो कर सकता है जिसको कल के खाने की समस्या, वो हड़ताल कभी नहीं कर सकता, कितनी भी समस्या में वो गुजर रहा हो। ऐसा नहीं है काम कर रहे मतलब बहुत खुश है वो नौकर, सब काम कर रहे भाई, सब दुकानें खुली है, जाता नहीं फिर दूसरी जगह, अरे जाता नहीं, उसको इतनी भी फुर्सत नहीं है देखने की दूसरी जगह कहीं काम भी मिल सकता है कि नहीं। समझ में आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंद्रियों से हड़ताल करे ये जी, उनको काम में न लेवे, उसके लिए दूसरा कोई सोर्स चाहिए ना, उसको किसका आधार लेवे, आत्मा की तो खबर नहीं इसको। तो कहते हैं सबसे पहली स्टेप, जो इंद्रियों को जीत कर, और स्तुति किसकी चल रही है, भगवान की चल रही है कि अपनी चल रही, बाबा एक ही बात है, भगवान की स्तुति करना अपनी स्तुति करना एक ही बात है, क्योंकि निश्चय से जो भगवान है वही तू है, भगवान ने जो किया वो तू कर, तो ये भगवान की भक्ति है, भगवान की स्तुति। देखो मैं एक उदाहरण दो, शैलेंद्र एक काम करना, ये स्वास्थ्य बिगड़ गया है कौन सक्षम का, तो थोड़ा उसका सिर दबा देना जाने के बाद। अब देखो मैं आपको प्रश्न पूछू, अपनी सेवा किसकी की है, बोलो ना, सेवा किसकी की है आपने, है ना, सुनो और देखो इसका
समझना हो रहस्य मैं बता रहा हूँ, वैसे आप बोलोगे आपने सक्षम की सेवा की, और यदि आप नहीं करते हो उनकी सेवा तो दिक्कत किसको है पूरी, कि मैंने आपको कहा था ना करने को, आपने क्यों नहीं की? इसका मतलब आपने इनकी सेवा की है, यह तो दुनिया बोल रही है, लेकिन मैंने जो एकांत में आपको बुला के कहा था ना कि थोड़ा इसको देख लेना, तो आपने मेरी सेवा की है, तो मैं हूँ भगवान मान के चलिए अभी। और कोई जीव आया है सामने तो उन्होंने कहा भाई आपकी सेवा, तो मैंने ये कहा तो एक काम करो तुम अपने स्वयं को आत्मा देखो, तो उसने किसकी सेवा की है? आत्मा की सेवा की है एक तरफ से देखो तो, एक तरफ से देखो तो उसने भगवान की ही सेवा की है, और परमार सेवा की है भगवान की। रुक में तेने क्या करना क्या करना, तुम बस स्वाध्याय करो सब करो बस, और क्या करना तुम हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ स्वाध्याय करो, कहते हैं ना लोक में हमारी सेवा कैसे करें, नहीं आपकी बताओ, अरे हमारी बोल रहे तुम सन्मार्ग पर लोगो, तुम स्वाध्याय करो यही हमारी सेवा है, इसमें हमको आनंद है। कितना गजब लगता है, तो आप आपका काम करते रहोगे उसमें हमारी सेवा कैसे होगी? होगी। उसी प्रकार हम अपना काम करते रहेंगे भगवान की सेवा कैसे होगी? होगी। ठीक है, तो जो शब्द जो इंद्रिय जनित्ता नान सहावादियम मुनदि आदम, देखिए इंद्रियों को जीतना कैसे, जो ज्ञान स्वभाव से अधिक है ऐसे आत्मा को, ठीक है, इंद्रियों को जीत, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को, ठीक है। अभी यहां पर अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा जो जानता है, आत्मा को कैसे जानना है? अन्य द्रव्यों से अधिक। अब ये नई वोकैबुलरी डाल दी इन्होंने, देखो देखो सुनो, आत्मा अन्य द्रव्यों से अधिक है, यह की परिभाषा पकड़ रहे सब अच्छे से? आत्मा को क्या विशेषण डाल दिया? आत्मा अन्य द्रव्य से अधिक है। अधिक मतलब क्या, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है यहाँ पर? अधिक मतलब भिन्न, अधिक मतलब भिन्न, ऐसा कोई भी कभी भी बोलता है क्या जो हमारा अर्थ निकाले? अरे बोलता है ना, कब बोलता है? देखो तुम बहुत नहीं बनना है, ज्यादा नहीं बनना, ज्यादा नहीं बनना मतलब क्या, विक्रिया नहीं करना, ऐसा बोल रहे क्या? विक्रिया से दस नहीं बनना, तो ज्यादा नहीं बनना मतलब तुम होशियारी नहीं करना, तुम बहुत करते हो, बहुत करते हो, बहुत करते हो मतलब तुम्हारी एक्टिविटी भिन्न है, ये कहना चाहते हैं सब? आप पकड़ रहे मेरी बात को? अधिक मतलब भिन्न, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आत्मा के लिए विशेषण दिया, आत्मा कैसा है? अन्य द्रव्यों से अधिक। तो यहाँ पर इस प्रकरण में अधिक मतलब भिन्न, कैसा है आत्मा? अन्य द्रव्यों से अधिक। उस आत्मा को जानो, कैसे जानो? ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ठीक है। और कैसे? इंद्रियों को जीत कर। अभी नीचे की लाइन क्या है? तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जे निश्चिदा साहु, वह निश्चय से भगवान की स्तुति है ऐसा साधुजन कहते हैं, ठीक है। अभी इसकी उत्थानिका भी थोड़ी पढ़नी है, एक नया रूप दिया है इन्होंने उत्थानिका को। उत्थानिका ये है, तत्र ज्ञे ज्ञायक संकर दोष परिहारेण तावत्। कितने बिंदु खोले इसमें? अब ज्ञे ज्ञायक संकर दोष का परिहार करते कहते हैं, मतलब तीन बातें, भगवान की निश्चय स्तुति कहो, ज्ञे ज्ञायक संकर दोष का परिहार कहो, ज्ञे ज्ञायक संकर दोष क्या अभी बता रहा हूं मैं, या जितेंद्रिय होना है कहो, अथवा आत्मा को जानना है, ये सब पर्यायवाची में डाल रही है। आत्म इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रियों को कुछ नहीं करना है, यही इंद्रियों को जीतना है, पकड़ रहे हैं आप? देखो लोक में भी कहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे सामने, मैं इसको जीत जाऊं, थोड़ा जीत जाऊं मतलब मैं उससे प्रभावित नहीं होऊं। प्रभावित होना हार और अप्रभावित होना जीत है, तो इंद्रियों से अप्रभावित रहना ये जितेंद्रिय बना है। और अप्रभावित कैसे होगा? और वो आत्मा के बल पर ही अप्रभावित होगा, जो आत्मा से प्रभावित होगा वो बाहर कैसे प्रभावित होगा? तो आत्मा को जानने के बल पर ही इंद्रियों को जीतेगा, ये बात समझ में आई? और आत्मा को जानो, भगवान की कही मानी तो निश्चय स्तुति हो गई। अब ज्ञे ज्ञायक संकर दोष का परिहार कैसे हो गया? पहले तो एक बात समझ लो आप सब, दो वस्तुएं हैं, ज्ञे और ज्ञान। ज्ञे मतलब जानने में आने वाला,
और ज्ञान मतलब जानने वाला, एक जानने में आने वाला और एक जानने वाला। तो कहते गे गे एक संकर दोष का परिहार करना। गे गे एक संकर मतलब मिक्सचर। मैंने एक बार कहा था, आजकल बाजार में सीड्स आते हैं ना, वो हाइब्रिड आते हैं, हाइब्रिड उसको क्या कहते हैं, एक वर्ड है संकरित, क्या कहते हैं, संकर वाले, ठीक है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें क्या है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, इवन गेहूं, वास्तव में आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको बहुत मुश्किल ऐसा लगेगा आ गया छठवा काल। ये कई ग्रेन्स चल रहा है, ये रिसर्च इंडिया में दो तीन चीजें नई आ रही है। एक तो गेहूं में ऐसा कहते हैं मानव के जीन्स पशुओं के जीन्स मिलाकर वो आ गया। अभी मेरे पास आर्टिकल है, आर्टिकल। और सुनो, ये विदेश ने इसको बहुत बहुत कड़ी कड़ा रुख दिखाकर इसको खूब निषेध किया, उसको आउट कर दिया है, और मतलब कह करके इसके बहुत घातक असर है, मतलब उन्होंने आजमाया है विदेश वालों ने। तो अपने जैनियों ने अपील की है गवर्नमेंट के सामने, आप ऐसा न होने दे, शाकाहार मांसाहार का पूरा भेद ही खत्म करने की बात है ये। और एक ग्रेन नहीं, ये तो मैंने भीट का बोल दिया, और दो चार ग्रेन है ऐसे, और इवन कपास भी जो बनेगी उसमें भी और किसी पशु की, बस फॉर हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि वो फसल ज्यादा आएगी, उसमें तो सफलता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हुई है, गवर्नमेंट उस रिपोर्ट का विचार करे, ऐसा जैनी ने अपील की है। अर्हत वचन है ना, अर्हत वचन, उसमें सब रिपोर्ट है। और ये है 2006 की बात, ये कोई नई बात नहीं है, मतलब हम तो कितने अनभिज्ञ है बाहर क्या हो रहा है, हमको तो गेहूं खाने से मतलब है, कितना कठिन, मुझे तो संकरित कहना है ना अभी, और भी जानते हैं ना ये संकर वाला फल आ रहे लग गए मार्केट में, मैंने कहा था आपको कभी, नहीं ये पाइनएप्पल एंड एप्पल, पाइनएप्पल एंड बनाना, ये मिक्स एक फ्रूट आता है, ये मैंगो, ये क्योंकि ये खवैया लोगों की वृत्ति इतनी खराब है, वो जाने क्या क्या करा है, तो ये मिक्स करते थे पहले, बाहर मिक्स होता था, अभी पहले ही मिक्स होकर बाहर आता है। समझ में आता है, तो कई फलों का ऐसा मिक्सचर, मिक्स स्वाद वाले फल आ गए हैं अभी। तो ये स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छे होंगे ये बिल्कुल नहीं है, उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है बिल्कुल। अरे आयुर्वेद भी कहता है एक फल खाते समय दूसरा नहीं खाना, नहीं जानते आप, जैसे आप मीठा खा रहे हो तो मीठा ही मीठा खाओ कहते हैं, मीठा जैसे फल कोई है एक, और कोई जाति से एक अनार है ले लो, और कोई जाति से खट्टा फल है कोई, हाँ संतरा, अब वो कहते हैं संतरा और वो मीठी चीज अनार खा रहे हो आप, ये मिक्स करके नहीं खाना बोले बिल्कुल, मिक्स करके मतलब एक भोजन में लेना नहीं इसको, अभी अभी पेट भर तो अनार ही खाओ, और शाम को पेट भर फिर वो संतरा ही खाना तुम, और ये क्या फल दिखाएगा, मुझे तो संकर के बारे में कहना, यह हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये संकर मतलब मिक्सचर, कि तो गे गे एक भी ऐसा संकर होने को हो रहा है, कैसे संकर हो रहा है, तो कहते देखो ना कैसे मिलावट हो रही है, तो कहते हैं ये सब है गे, ओके, और जानने वाला अंदर में तत्व बैठा है ज्ञान, और ये क्या कर रहा है पागलपन, ये समझ रहा है, कह रहे हैं कि ये सब गे है और ये ज्ञान है, इंद्रिया पकड़ में आ रहा है आपको सबको, वो कह रहे ये सब गे और ये आंख कान नाक ये ज्ञान, तो कहते अरे वो जिसको तुम गे कह रहे हो वो तो गे है ही, लेकिन जिसको तुम ज्ञान समझ रहे हो ज्ञान थोड़ी है, वो भी गे ही है, तुम मिलावट नहीं करो कह रहे गे के ज्ञान की। तो ये संकर खड़ा हो गया, तो ये जो जानेगा कि आंख नाक कान आदि भी बोलो ये जानने वाली चीज नहीं है, ये जानने में आने वाली चीज है, तो संकर दोष का परिहार हो गया। ये और एक बात आ गई इसमें, गाथा में क्या क्या बातें खड़ी कर रहे हैं, ये गाथा में तो ऐसे इतना ही बोल रहे जो आत्मा को जानता है, इंद्रियों को जीत कर आत्मा को जानता है वो भगवान की स्तुति करता है, ठीक है। अभी उत्थानिका में क्या बात बढ़ा दी, गे गायक संकर दोष का परिहार कैसे करना वो बताते हैं, गे गायक संकर दोष का परिहार
कैसे करना, मतलब ये नया एक मुद्दा इन्होंने डाल दिया। तो ये चारों बातें कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही है। निश्चय स्तुति कहो भगवान की, आत्मा का अनुभव कहो और बोलो ये ज्ञान संकर दोष का परिहार कहो और बोलो जितेंद्रिय कहो, जितेंद्रिय कहो, ये सब पर्यायवाची है। अभी अमृत चंद्र स्वामी की कर्तव्य देखो क्या की है इन्होंने, बहुत उन्होंने ये टीका कर रहस्य ऐसा खोला है। कहते जितेंद्रिय मतलब क्या समझते हो, इंद्रिय के तीन अर्थ किए यहाँ पर, एक द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय और एक इंद्रिय के विषय। कितने अचरज की बात हो गई है ये, कि हम तो इतना तो समझते हैं कि द्रव्येंद्रिय को भी इंद्रिय कहते हैं और भावेंद्रिय को भी इंद्रिय कहते हैं, लेकिन इंद्रिय के विषय को भी वे इंद्रिय संज्ञा दे रहे हैं। तो कहते जो इंद्रियों को जीतता है, वो कहते इंद्रियों को जीतना मतलब क्या, ये बहिरंग वस्तु, मैं बहुत अच्छे से कहूँ वो फूल जो बाहर में है ना, इत्र, वो नाक, और वो नाक के माध्यम से जानने की आत्मा की ताकत, ये तीनों बातें ले ली उन्होंने। आप पकड़ रहे, सुनो अगेन अगेन, वो सामने वाली ग्रीनरी एक, उसको जीतना है, आँख को जीतना है सेकंड, थर्ड वो जो आँख के माध्यम से आत्मा की ताकत है जानने की, आत्मा की ताकत क्या कहेंगे, आत्मा की ताकत को भावेंद्रिया, भावेंद्रिया मतलब अच्छे शब्द में बोलो क्षयोपशम, क्षयोपशम भी प्रॉपर वर्ड नहीं है एक्चुअली, क्षयोपशमिक भाव ये प्रॉपर वर्ड है। क्षयोपशम कहते कर्मों में, क्या बोला, हम तो बहुत ऐसी स्थूल भाषा बोलने लग गए हैं सब, इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है। अरे इनका क्या ये पुद्गल है क्या, क्षयोपशम तो कर्मों में होता है भैया, और ये तो क्षयोपशम संबंधी भाव जीव में होता है, क्षयोपशमिक भाव। लेकिन उपचार से असद्भूत व्यवहार नहीं से, ये भी कोई झूठ बात नहीं है कि इनका क्षयोपशम अच्छा है। तो इनका क्षयोपशम मतलब कर्मों और ये एक ही है, कौन से नहीं से, असद्भूत व्यवहार नहीं से एक ही है, ठीक है। अरे हम सब एक है भारत, हम सब एक है कहते हैं हम, तो इतना व्यापक हो सकता तो कर्म और अपन एक क्यों नहीं हो सकते। लेकिन प्रधान बात यह है कि क्षयोपशमिक भाव, अभी तीन को जीतना है, किस किस को बोलो, सुनो सुनो सुनो, इसको बोलने दो, बोलो हाँ, एक तो रसगुल्ले को जीतना है, दूसरे तो इसको जीतना है टंग को, और तीसरी बात तो जो जानने की ताकत क्षयोपशम उसको जीतना, इंद्रिय के तीन अर्थ बोलने जा रहे भैया। अब मैं थोड़ा सा आपको एकदम साइकोलॉजिकली लेते हैं इस बात को, है ना, थोड़ी ट्रिक बताऊं मैं आपको। देखो ऐसा कोई भी दुनिया में बोलता है क्या रसगुल्ले को, क्या ये जीभ है, सुनो सुनो सुनो, आप ध्यान ध्यान से सुनो आप मेरी बात को, ऐसा कोई बोलता है, फूल को कोई ये बोलता है कि आंख है, अथवा ग्रीनरी को कोई बोलता है ये आंख है। मैं अभी आपको रहस्य खोलता हूँ, सुनिए सुनिए। तो आचार्य ने ऐसी टीका कैसे करी, इंद्रियों के तीन तीन अर्थ किए, ये माना द्रव्येंद्रिय भी ले ली और भावेंद्रिय भी ले ली। वैसे भावेंद्रिय की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं था, थैंक गॉड कि ये नया एक अर्थ डाल दिया उन्होंने, नहीं तो हम तो यही समझ रहे लड़ाई हमको इनसे करनी, इनके अधीन नहीं जाना है। कह रहे ये थोड़ी जो दिखती है, ये तो कह रहे भगवान में भी है पड़ी। मैंने क्यों बोला अभी ऐसा, बोलो जल्दी फटाफट बोलो, क्यों बोल रहा हूं मैं यार, बोलो ना। भगवान को द्रव्येंद्रिय है, लेकिन भगवान को भावेंद्रिय है क्या, नहीं। अरे केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनका, तो द्रव्येंद्रिय जस्ट लाइक एक शोकेस पड़ा है, बस वो यूजलेस पड़ा है, यूजलेस एकदम यूजलेस है इंद्रिय भगवान के लिए। पकड़ में आता है। अब मेरा फिर प्रश्न है, रसगुल्ले को कौन कहता है कि ये जीभ है, ये रसना इंद्रिय है, ऐसा कौन बोलता है रसगुल्ले को, मैं अभी बता रहा हूं। देखो लोक में ये कहते हैं इनको ना रसना संबंधी बहुत गृद्धता है। अभी अभी पकड़ो बात को, थोड़ा पकड़ने का प्रयास करो। रसना संबंधी गृद्धता मतलब क्या, जीभ संबंधी गृद्धता बोल रही है, ये कह रहे खाद्य पदार्थ संबंधी बहुत गृद्धता है इसको, इतनी अटैचमेंट है बोलते इसको खाने पीने की, बस थोड़ा नहीं मिला पर हाय 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 करते रहते हैं। सुनो सुनो आप, हम क्या बोल रहे हैं, उनको रसना संबंधी बहुत गृद्धता है, उनको रसना की गृद्धता है। अब रसना की गृद्धता है उनको, तो रसना हम क्या लेते हैं वहां पर, खान पान की वस्तु है। देखो खान पान की वस्तु को भी हम रसना बोल गए, इसका मतलब उसको भी इंद्रिया बोलते हैं, हम बोलते हैं, समझ में आता है।
तो रसना लोलुपी जीव, रसना लंपट जीव, तो रसना लंपट मतलब वो इसकी बात नहीं हो, जीव से लंपट नहीं हो, जीव चखना चाहता है ये नहीं, वो तो बाहर की वस्तुओं को चखना चाहता है। ये मैंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया, हाँ हम लोक में भी बाह्य वस्तु को इंद्रिया बोलते हैं, इंद्रियों के विषय को इंद्रिय बोलते हैं, या फिर विषयी और विषय को अभेद करके चर्चा चल रही है। गेटिंग? मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना, देखो ये दर्पण है और ये मोर है, तो इसको भी क्या कह रहे हैं? मोर। अभी दर्पण की जगह ज्ञान, इसकी जगह गे लो, तो दर्पण को भी क्या बोल रहे हैं? दर्पण को गे बोला किसी रूप से। अभी ज्ञान का गे में फिर अपने अभेद करके बात करी कि नहीं करी? विषय का विषय में अभेद करके बात करी, तो यहाँ पर भी हम पहाड़ को भी, ग्रीनरी को भी आग कह सकेंगे। समझ रहे हैं आप? विषय विषय अभेद करने की पद्धति हमारी है, ठीक है। व्याकरण में तो बहुत चलता है ऐसा, ए रिक्शा क्या ना किसको क्या बोला तू? और रिक्शा, रिक्शा को थोड़ी ना कोई बोला था, तो बंद रिक्शा वाले को कोई बोला था? ए रिक्शा यहाँ। बोले पागल हो गया ये, रिक्शा वाले जरा यहाँ आना, लेकिन रिक्शा लेके आना। सुनो सुनो सुनो, तो यहाँ पर अर्थ क्या करेंगे? यहाँ पर हमने कहा इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों के विषय को जीतना। अब दो इंद्रिया डाली इन्होंने, तीन इंद्रिया, एक इंद्रिय के विषय, एक द्रव्य इंद्रिय, एक भाव इंद्रिया। अब कहते ये तीनों से भेद विज्ञान करो, कैसे? टाइम क्या हुआ बताना? आठ हो गए, देखो कंप्लीट करते हैं इसको। बहुत अच्छी गाथा है ये, तीन हेतु दे रहे हैं इंद्रियों के विषय के लिए, उनसे कैसे भेद विज्ञान करें, इंद्रियों से कैसे भेद विज्ञान करें, भावेंद्रिय से कैसे। तीन नए तर्क दिए हैं, आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ओके, देखो सुनो सुनो सुनो, थोड़ा मैं ढीली करूं और बात को। एक बेचारा किसान था, थोड़ी बहुत फसल होती थी और उस जैसे तैसे पेट भरता था बेचारा। अब उसमें एक बार आ गए घूमते घूमते चार मित्र, तीन मित्र आ गए कहो, एक तो ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक वैश्य, तीनों था, ठीक है, तीनों थे। अभी ये तीनों मिलके खेत में से तोड़ने लग गए फल, अब फल तोड़ने लग गए और खाने लग गए। इस बेचारे की हाथ पर पेट है इसका, हाथ पर पेट समझते हो, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। इसकी बेचारे की आजीविका, ये ऐसे खाते रहेंगे कैसे काम चलेगा? तो उसने सोचा मैं अभी कैसे निपटा इनको, बहुत कठिन है निपटाना, एक साथ तीन आ गए मैं तो अकेला खड़ा हूँ। तो फिर उसने क्या, देखो रोल लिया उसने, देखो बोले क्षत्रिय जो था, बोले राजन हम धन्य हो गए आप यहाँ पर आए तो, लेकिन आप खा रहे हो सो खा रहे हो, बोले हमको कोई आपत्ति नहीं, बहुत सौभाग्य है हमारा। और ब्राह्मण पंडित जी आप ले रहे हो तो हमको क्या आपत्ति होगी, लेकिन ये बनिया क्यों खा रहा है? ये देखो सिस्टम, देखो सिस्टम। बनिया बोले एक एक पैसा लेता है हमसे, सैंपल भी नहीं दिखा था, इसका क्या काम? बोले हाँ बात तो सही है, क्षत्रिय बोला। चलो चलो ये निकलो, बोले बनिया को। तरकीब है उसकी, तरकीब किसकी तरकीब है? ये किसान की। फिर बाद में बोले खाओ खाओ बढ़िया खाओ। फिर ये बोला महाराज आप खा रहे हो हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये पंडित क्यों खा रहा है? ये नगदी 11 रुपए लेता है कोई भी चीज देखने करने के लिए, इसको तो पहले सब कराओ, ये बिना कुछ दिए कुछ ढंग से देखता तक नहीं है, बोले भला ये क्यों खाए, ये कौन होता है खाने वाला? वो ठीक है बोलिए चला जाए, हम आप खा रहे हो हमको क्या दिक्कत। फिर 5-10 मिनट बाद बोला साहब आप ही की तो राज्य में हम जी रहे हैं, आप ऐसे खाएंगे कैसे काम चलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, एक साथ तीनों को नहीं भगाया जा सकता, वो तरकीब से भगाना पड़ेगा। एक तीनों से भेद विज्ञान कराना है, तीनों को नए हेतु दे रहे, कह रहे है इंद्रियों के विषय से कैसे भेद विज्ञान कराए, कह रहे वे अत्यंत असंग है। क्या है असंग है? मतलब वे कभी तद्दन जुदी वस्तुएं है, बोले वे कल नहीं थी और आज खड़ी हुई, ये उनके लिए अत्यंत असंग, ऐसा विशेषण बोल डाल दिया। किसके लिए? इंद्रियों के विषय के लिए। अभी देखिए इस प्रकरण में इंद्रियों को असंग नहीं बोल रहे वे,
क्यों? क्योंकि वे वैसे असंग नहीं है, ये जल पे जो जियतन मेला ऐसे संग है ये, वो तो तद्दनी जुदे है। अभी कह रहे आओ शरीर में आओ, पहले अभी कह रहे शरीर, कह रहे ये पूरे पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, और ये तो आत्मा तो चेतन है, ये चेतन पुद्गल का कैसा नाता, अत्यंत अभाव है इनमें, ये दूसरी बात इन्होंने बोली। और फिर अभी इनको भेद विज्ञान कराना है भावेंद्रिया से, देखो अभी कितनी दिक्कत है, वही है तो नहीं चलेगा, कौन सा अत्यंत संग असंग वाले की तो बात ही नहीं, अभी चेतन काम कहकर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये भी तो चेतन ही तो भावेंद्रिय। अभी नया लॉजिक क्या दिया इन्होंने, सुनो सब, कहते ये खंड चेतना है, मैं अखंड चेतना हूं, ये क्रमशः कभी किसी को कभी किसी को चेतना में दो दो भेद किए, एक खंड चेतना वाला और एक अखंड चेतना वाला। कल इस टीका को थोड़ा फिर से पढ़ेंगे अपन, इसमें से और कुछ अभी तो पढ़ने के काम भी नहीं, ना टाइम भी है, और फिर इसको पढ़ के कुछ और खोलता हो तो खुलेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अपन। ओम नमः।